रिक्वेस्ट में ये सब आएगा, बायां हाथ है ना, बायां हाथ में ये लड़की जो है मनीषा कुमारी, ये अरुण मंडल जो है, अरुण मंडल दो शादी किए थे, पहली शादी से इनको तीन लड़की थी जिसमें दो बड़ी लड़की का शादी हो चुका है, वो अपने ससुराल में रहती है, जिसमें बड़ी लड़की विशाखा देवी पति सुबोध मंडल एक चारी दियारा, दूसरी लड़की आरती देवी का भी शादी हो चुका है, इनके पति रुपेश कुमार मंडल साकिन अभिया बाजार थाना गोपालपुर, और तीसरी बच्ची ये थी मनीषा कुमारी जिसका उम्र 15 वर्ष है, ये 8 क्लास में पढ़ती थी, 8 क्लास पास कर गई है इस बार, 9 क्लास में इसका एडमिशन होना था, एडमिशन अभी नहीं हुआ है, और इनके घर पर ही टीचर आके पढ़ा रहे थे, 9 क्लास में ही पढ़ती थी, और इनकी ये अरुण मंडल दूसरा शादी कर लिए थे, इनकी पत्नी पहली जीवित थी, बाद में मरी है, दूसरा शादी कर चुके थे, तो उस पत्नी का नाम सुमा देवी है, दूसरी पत्नी का नाम, जो ये मनीषा कुमारी मृतिका है लड़की, इसकी सौतेली माँ हुई सुमा देवी, तो सुमा देवी को एक लड़का है 8 वर्ष, अंकुश नाम है उसका, दूसरी लड़की का नाम है रजनी, रजनी का उम्र 20 वर्ष होगा, इसकी शादी ये कर चुके हैं ये, और अंकुश अभी 8 साल का है। ये मनीषा कुमारी रात में कहीं टीवी देखने गई थी, तो टीवी देख के जब घर पर आई तो उसकी सौतेली माँ से कुछ जैसा कहता है लोग कि झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के क्रम में ही ये इन लोगों परिजन का आरोप है कि सुमा देवी जो है सौतेली माँ, वो इस लड़की को मारपीट करने लगे, मारपीट करने के क्रम में ही गर्दन को दबा दिए, कस के दबा दिए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाद में सुमा देवी जो है बताने लगे कि इसको भूत प्रेत आता था जिसके कारण मृत्यु हो गया है, मैंने अपने बचाव में ये इस तरह की बात बता रही थी, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये मृतिका जो है ये मनीषा कुमारी, इसके गर्दन पे अगले पोर्शन में दबाने का स्पष्ट निशान दिखाई पड़ रहा है, और लगता है कि गर्दन दबा के इसको मारा गया है।